इस बीच महायुद्ध के मैदान से ज़ेलेंस्की को हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। केजीबी के पूर्व अधिकारी ने दावा यह किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने हमशक्ल तैयार किए हैं, जो रूस के प्रमुख कार्यक्रमों का हिस्सा भी बने। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये बॉडी डबल दुश्मन देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो असली पुतिन है कहां? ये कौन है? जाहिर तौर पर आप कहेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें दुनिया बेहद शक्तिशाली नेता के तौर पर जानती है, क्योंकि पुतिन जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, हर मकसद को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का मैदान हो या फिर नाटो देशों से सीधी टक्कर। पुतिन किसी से नहीं डरते, जो चाहते वो करते हैं। लेकिन पुतिन की तस्वीर और राज्य सुरक्षा समिति के पूर्व अधिकारी का यह दावा कुछ और ही बयां कर रहा है, जिसके मुताबिक पुतिन युद्ध में अपने बॉडी डबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन के बॉडी डबल रूस के प्रमुख कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में पुतिन का बार बार नाक छूना इसका सबसे बड़ा सबूत है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पुतिन के करीबी रहे और केजीबी के पूर्व सहयोगी सर्गेई झिरनोव ने किया है। मंगलवार को पुतिन दक्षिण साइबेरिया के हेलीकॉप्टर कारखाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जंगी हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद पुतिन ने सिमुलेटर के जरिए हेलीकॉप्टर उड़ाने में भी हाथ आजमाया और यहीं से पुतिन के बॉडी डबल का संदेह गहराता चला गया। संदेह नंबर एक, मीडिया से बातचीत में पुतिन लगातार ही अपनी नाक छूते जा रहे हैं, जो उनके पर्सनालिटी को कतई शोभा नहीं देता, या यूं कहें कि पुतिन कभी ऐसा नहीं करते हैं। संदेह नंबर दो, पुतिन कभी भी अपने हाथों को हिलाकर बात नहीं करते हैं, अमूमन जब तक कोई इशारे का जिक्र ना हो। लेकिन हेलीकॉप्टर कारखाने में जो शख्स था वो उम्मीद से ज्यादा हाथ हिलाकर बातें कर रहा था। संदेह नंबर तीन, दावे के मुताबिक कारखाने में मौजूद शख्स का चेहरा पुतिन के चेहरे से काफी अलग था। पुतिन अपनी डाइट का बेहद ख्याल रखते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के कारखाने में मौजूद इस शख्स का चेहरा काफी फूला और हेल्दी दिखाई दे रहा था। संदेह नंबर चार, चौथा और सबसे जरूरी, पुतिन का नक्शा, उनका सिर, उनकी आवाज और उनके चेहरे पर झुर्रियां, जो असल चेहरे से काफी जुदा थी। मतलब साफ था कि पुतिन और उनके बॉडी डबल की हाइट अलग, उनके चलने का ढंग पुतिन से अलग, उनकी बॉडी लैंग्वेज पुतिन से अलग, कानों का निचला हिस्सा, सिर, आवाज अलग, वहीं बॉडी डबल की उम्र पुतिन से कम थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो पुतिन की सेहत को लेकर लगातार खबरों का बाजार गर्म था, जो दावे किए जा रहे थे, क्या वो सच थे? क्या वाकई पुतिन ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने हमशक्ल तैयार किए हैं? ये बॉडी डबल प्लास्टिक सर्जरी के बदौलत ही पुतिन जैसे दिख रहे हैं। और सबसे जरूरी और अहम सवाल है कि क्या असली पुतिन वाकई जिंदा हैं? अगर हैं तो कहां हैं? झिरनोव वही शख्स हैं जिन्होंने पहले इस दावे को सिरे से नकार दिया था कि पुतिन ने अपने बॉडी डबल तैयार किए हैं, लेकिन अब वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अलग अलग कार्यक्रमों में पुतिन के बॉडी डबल जा रहे हैं और असली पुतिन कौन है उन्हें भी इसकी खबर नहीं है।